साथियों, मैं दिल्ली के चांदनी चौक से अलका लांबा बोल रही हूँ। आज हम सब जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली का लाल किला हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, NRC और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कानून, काला कानून के खिलाफ आज देश भर में एक गुस्से का माहौल है। लोगों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी इस काले कानून के खिलाफ करने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगा दी गई है, फोन इंटरनेट सब बंद कर दिए गए हैं। लोकतंत्र की जितनी हत्या हो सकती है वो की जा रही है। मैं आज अपने तौर तरीकों से हम इस काले कानून के खिलाफ, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, जिस तरह से छात्रों को पीटा गया पूरी तरह से, एक लाइब्रेरी में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर, शौचालयों में घुसकर जिस तरीके से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है, इस काले कानून के खिलाफ आवाजें उठ रही है। उन्हें दबाने की, कुचलने की तानाशाह तरीकों से कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ, इस काले कानून का बहिष्कार पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं और हम बिल्कुल तब तक इन आवाजों को उठाते रहेंगे अपने तौर तरीकों से, शांतिपूर्वक तरीकों से। हमारे हाथ में लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी आवाज है। हम खामोश हैं सब लोग, लेकिन हमारे हाथ में लोकतंत्र की वो ताकत है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम निहत्थे हैं, हम किसी पर कोई हमला नहीं कर रहे। हम ना नक्सली हैं, ना आतंकी हैं, ना हम लोग कुछ इस तरीके के आप हम पर कह सकते हैं कि हम इस देश के लिए कोई खतरा हम लोग बन सकते हैं। लेकिन आज नागरिकता कानून मात्र जो धर्म के आधार पर लाए जाने की कोशिश की जा रही है, NRC मात्र आसाम में कहा था लागू होगा, लेकिन गृह मंत्री देश के कहते हैं कि ये पूरे देश पे लागू होगा और मात्र एक कौम के खिलाफ होगा। नागरिकता, हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून आया है, वो ये कहता है कि मात्र एक धर्म को निशाना बनाते हुए सभी भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी, उन्हें नहीं दी जाएगी। उन्हें चुन चुन कर इस देश से बाहर निकालने की एक साजिश, गहरी साजिश जो संघ मानसिकता के मुताबिक है, वो की जाएगी। हम ऐसा इस देश में नहीं होने देंगे। हम सब लोग, आप देखेंगे इसमें महिलाएं हो, युवा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग हम एक होकर इस नागरिकता बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। NRC हम देश पे लागू नहीं होने देंगे। हम नागरिकता जो बिल काला कानून है, उसे भी हम एकमात्र धर्म को निशाना बनाने के मद्देनजर जो थोपा जाने की कोशिश कर दी जा रही है, हम वो नहीं होने देंगे। इस देश पे हमने जानी है कि इस देश के संविधान को हम बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और संविधान को कभी भी हम मात्र एक धर्म के आधार पर, धर्म की एक आड़ में, हम इसे तार तार नहीं होने देंगे। इस आवाज को यूं ही बुलंद करते रहेंगे, गांधीवादी तरीकों से, शांतिपूर्वक तरीकों से, और इतना दबाव हमारा देश भर से बनता रहेगा कि इस काले कानून का बहिष्कार किया जाए, इसे वापस लेने पर केंद्र की तानाशाह सत्ता को मजबूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।